जी नाजिन, ब्रेक के बाद आते हैं। डॉक्टर साहब, आप सब्जी मंडी की बात कर रहे थे, उसके बारे में। अच्छा, मैं एक बता रहा था, 10-12 सब्जियां होती हैं, मुख्तलिफ रेट होता है। मंडी में कुछ और रेट है और इतवार बाजार में कुछ और है। वही सब्जी अगर G10 में आ जाएगी और रेट है, F10 में आ जाएगी और है, F7 में चली जाएगी तो और रेट है, F6 में आ जाएगी। सब्जी तो वही है ना। ठीक। तो इसलिए कि वो दुकानदार अपना रेंट अदा करते हैं, टैक्स देते हैं, तो जाहिर है फिर उसके ऊपर कॉस्ट पड़ती है। तो जब आप रेट बताते हैं, आप E7 का बता देते हैं, F10, F11, F-Serial का बता देते हैं, तो आपको सब लोगों को, मेरा अपना जाती एक मुशाहदा भी रही भी है कि मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ, जमा पर मैं पता है कि उत्थे यूनियन काउंसलर को काफी जगह पड़ी है। जी जी। तो सब जिम्मेदारों को वो प्रोवाइड करें, वहाँ फल और सब्जी ला के ये गवर्नमेंट उनका वो मैनेज करें और उनको जगह दे, वो आके अपनी चीज सेल करके वापस चले जाएं, हर घर तक पहुंचेगी और चीज जाया नहीं होगी। जी जी। अगर इसी तरह सारे उठा के मंडी में लाते हैं, वो जो ज्यादा आ जाती है उसको उस पैसे नहीं मिलते बेचारे को, उतनी कास्ट जितनी उसकी पड़ी मेहनत की होती है। तो इस सिस्टम बनाए ताकि लोगों तक भी चीज पहुंचे और जो मेहनत करता है उसकी भी रोजी रोटी चले। जैसा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सिस्टम बनाए, तो वो सिस्टम कैसे बनेगा? जिस तरह इंतजामिया हमारी है, जिली इंतजामिया है, जहाँ DC हमजा शफकार साहब है, उनको वो कहते हैं अगर वजीर आजम इमरान खान के बाद इसको लगा दे तो ये काम ज्यादा करेगा, तो ये काम वो इस्लामाबाद में अपना फर्ज अदा कर रहा है या सोशल मीडिया पे ही वो अपनी बस बातें कर रहे हैं? देखिए रिजवान साहब, बात हो रही थी महंगाई की। जी बिल्कुल। तो मैं उसी को लेकर आगे चलता हूँ। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान में हर चीज पैदा होती है, सब्जियां, फ्रूट, दालें, गंदम, मकई, गन्ना, हर चीज वाफर मकदार में है। अगर नहीं है तो अहल गवर्नमेंट नहीं है। आप गवर्नमेंट का फेलियर देखें और गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट देखें कि ये गंदम जिसका रेट आज 2800 तक है, 2800 से 2900 तक है, और जो आटा है वो 3000 तक मिल रहा है। यही गंदम जब गरीब किसान से उठाई गई है तो ये गंदम इन्होंने उठाई है 1350 में, 1400 रुपए में। और जिस किसान ने साल के लिए अपने बच्चों के लिए और आने वाली गंदम के बीज के लिए स्टोर की हुई थी, वहाँ इनके असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जबरदस्ती घरों में दाखिल हुए हैं, विद पुलिस दाखिल हुए हैं, और वहाँ जाके इन्होंने छापे मारे हैं, और वो जो जखीरा की गई गंदम थी जो उनके साल भर के लिए थी उसको उन्होंने जबरदस्ती रिकवर किया है और उनको अपनी मनमानी का जो रेट है 1400 रुपए, 1350 रुपए रेट दिया है। और आज उसका रेट देख लें, क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है या क्या ये गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट नहीं है? क्या क्या नहीं होता इस मुल्क में? सब्जी हो रही है, फ्रूट आ रहा है। अब वो जो बात डॉक्टर साहब ने कही है कि आप जनाब पीर विदाई मंडी में चला जाए, उसका रेट और है, वो अतवार बाजार में रेट और है, आप इस्लामाबाद में आ जाए उसका रेट मजीद महंगा हो जाएगा, आप किसी उस नेक्स्ट सेक्टर में चले जाए उसका रेट और होगा। भाई इसको कंट्रोल किसने करना है? आपने प्राइस कंट्रोल कमेटियां किस लिए बनाई है? आपने कमिश्नर साहब किस लिए बिठाया है? आपने ये जो लोग बिठाए हुए हैं अपनी कैबिना में, ये किस लिए बिठाए हैं? अगर आपने डिलीवरी नहीं करता, करना तो छोड़ दे फिर। अजय साहब, जिस तरह जरी जमीन हमारी है पंजाब में, माशाल्लाह जरी जमीन है काफी, तो अभी जो हम जा रहे हैं हाउसिंग सोसाइटियों की तरफ, क्या ये हमारा, हम कोई गलत साइड पे नहीं जा रहे? क्योंकि हमारी जरी जमीन है, हम उनको सोसाइटी गांव में देख लें, सोसाइटी लॉन्च हो गई अगर इसी साथ कोई शहर वहां से, तो ये सिस्टम हम किस तरफ जा रहे हैं इसको लेकर? व्हाट्सएप इससे कोई इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं तो इस वक्त आपकी पॉपुलेशन कहां से कहां बढ़ गई है, अब इस वक्त इस सेक्टर की आपको जरूरत है, हाउसिंग सोसाइटियां भी बनेंगी। अब भाई आप वो जो जमीनें बंजर पड़ी हुई है, जो गैर आबाद जमीनें हैं, उनपे उनको लाए ना, जेरे काश्त करें
अब बहावलपुर के जनाब, चोलिस्तान के, सिंध में, बलोचिस्तान में कितने पहाड़ी इलाके हैं, गैर आबाद जो इलाके हैं, जो मैं कह रहा हूं कि हमवार रकबे पड़े हुए हैं, जहां हजारों नहीं लाखों की तादाद में। जी कामरून हफीज चौहान साहब, मैं आपकी तरफ आता, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि मैं पैसा बचाऊंगा, उन्होंने सबसे पहले गाड़ियां जो थी उनकी नीलामी कर दी, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। देखिए वोटर साहब, इनकी अहलियत और काबिलियत का तो शाहकार थी वो नीलामी। मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए थी, लेकिन मुझे एक अच्छी 4x4 भी चाहिए थी सियासत के लिए। तो जब वो नीलामी का आया तो मैं स्पेशल गया कि गाड़ी देखो, तो वहां पे वट्टू साहब वो गाड़ियां जिसमें SUVs थी बड़ी अच्छी, एस क्लास मर्सिडीज़ें खड़ी थी, मैं उनकी हालत देख के हैरान रह गया कि इस कदर बुरी हालत थी उन गाड़ियों की, ऐसे लगता था जैसे बांदरों ने इस्तेमाल किया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां, जाहिर बात है हर गाड़ी पे कोई ना कोई ड्राइवर होगा, जाहिर बात है कि उसकी मेंटेनेंस रिपेयर का कोई बाकायदा डिपार्टमेंट बना हुआ होगा, उसका कोई इंचार्ज होगा। मैं तो समझता हूँ कि उन गाड़ियों की नीलामी से पहले उनकी इंक्वायरी दरकार थी कि वो गाड़ियां किसके इस्तेमाल में थी, इंचार्ज ड्राइवर कौन थे, और उनकी मेंटेनेंस पे पिछले कई सालों में कितना खर्च हुआ हुआ था, उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के चेक होने वाला था कि वो कितना खर्च हुआ हुआ था, और उसके बावजूद वो गाड़ियों हालत में थी। उन गाड़ियों को रिस्टोर करना अमलन पॉसिबल नहीं था मुतद्दद, और वो गाड़ियां जो मार्केट में आपको उस मॉडल की 95 की एस क्लास और ये 92 की आसानी से मिल जाती है, बड़ी वेल मेंटेन गाड़ी। तो प्राइम मिनिस्टर उसकी गाड़ियों का वो इशर, वो तो सबसे बड़ी इंक्वायरी सी थी साबिर के लिए, और जो वो माल मसरूका था वही उन्होंने निलाम कर दिया है, इससे बड़े माकद हुकूमत की क्या हो सकती है। दूसरी बात, उसमें मे बैक और बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी खड़ी थी, सिर्फ वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां और मे बैक की हालत अच्छी थी क्योंकि वो इस्तेमाल में नहीं आई, क्योंकि वो जनरल यूज की गाड़ी ही नहीं है, उसका यूज ही नहीं कर सकते हैं। कहने की बुलेट प्रूफ होती है वो 100 किलोमीटर की स्पीड नहीं पकड़ती क्योंकि वो वजन लोहे का इतना ज्यादा हो जाता है, फिर फ्यूल बहुत हैवी लेती है। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये था कि अगर वो अच्छी हालत की थी तो आपने चले वहां 2-2.5 करोड़ की लगाई थी, 4-4 करोड़ की लगाई थी, सर वो आज मंगाना चाहें तो वो कई करोड़ होती। वो जो 7-8 अच्छी गाड़ियां थी, आप वो आपने उस वक्त वो जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनकी जिंदगियों के तहफ़ शायद हम लोगों से ज्यादा अहम है, शायद नहीं यकीनन हमसे ज्यादा अहम है, आप वज़ीर आज़म, सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप चीफ जस्टिस साहिबान, जिन जिनकी बहुत अहम है, आप उनको गाड़ियां दे देते, आपने वो नीलामी में क्यों खड़ी कर दी, मुझे तो ये समझ में नहीं। और मजे की बात यह है कि वो कचरा गाड़ियां जिनकी मार्केट वैल्यू इस वक्त 18-20 लाख है, उसकी इनकी जो इदारा था जिसने नीलामी की उनके रेट लगाए हुए थे, उनकी हमाकत और अहलियत का मुंह बोलता सबूत था कि उसके ऊपर डिमांड 30-40 लाख लिखा हुआ था, जिन गाड़ियों को बनाने में भी 20 लाख चाहिए था और उसमें अच्छी हालत की गाड़ी मार्केट में 20 लाख की अवेलेबल थी। तो मैं तो उनके उस पूरे वो जो नीलामी के ऊपर मेरे इतने सवाल थे और उसमें अहलियत और पागलपन और नालायकी की इतने वाजे पॉइंट थे कि मैं तो वहीं से कि इन्होंने आते साथ उन गाड़ियों का नीलाम किया, इनको तो उन गाड़ियों की पहले इंक्वायरी खोलनी चाहिए थी, ठीक, और देखना चाहिए था कि ये गाड़ियां पे कितना खर्च हुआ, कौन जिम्मेदार थे इनकी मेंटेन करने के, किसने मिसयूज की, अगर उस ड्राइवर से लेके किसी पॉलिटिशियन ने उसके बच्चों ने इस्तेमाल की हुई थी तो केसेस थे साबिरों में खुलने वाले, खुद ही इन्होंने खत्म कर और माल बसरू को ही भेज दिया। इससे बड़ी अहलियत इनकी तो मैं समझता हूँ इनकी वो एक्ट देख के और मैं साहब भी देख कर, हालांकि इमरान खान की मैंने उस फेसबुक पे सब कुछ लिखा, पढ़ने वाला तो कोई है ही नहीं है ना उधर। दूसरी बात ये भी आप देख लें, वो बना दिया टाइगर फोर्स, वो सारे जगह पे रेट चेक करेगी, वो ये क्या निजाम निकालने जा रहे हैं, गवर्नमेंट इज देयर, पब्लिक सेक्टर इज देयर, जिनकी जिम्मेदारी है ये चीजें देखनी, वो बच्चे कल के उठ के तो वो जिनको ना कानून का पता ना जिनको किसी निजाम का पता ना वो किसी चीज के, वो अब जाके तो इधारों और सरकारी मुलाजमीन और दीगर के सिर जाके चढ़ेंगे और वो जाके उनके साथ बदतमीजियां करेंगे। आप एक पैरेलल तिरंगा फोर्स तैयार करना चाह रहे हैं, ये तो वो जो कुछ MQM कराची में करती रही है, उन्होंने अपने तैयार किए थे, ये बत्ते खोल लाने लगे हैं, कौन सा जिनको SOPs का नहीं पता, जिनको अपने TORs का नहीं पता, जिन्हें पाकिस्तान के कानून और प्रोसीजर का नहीं पता, आप उनको चढ़ाने के, ये काम तो आपके पब्लिक सेक्टर ने करना है, उसको राइट साइज करें, उसको दुरुस्त करें,
उस पर राइट पर्सन राइट जॉब उठाए, ये उनकी जिम्मेदारी। और जहां पे वायलेशन है उनको पूरे टांग दे, ठीक है। मैं तो ये अभी तक सवाल है मेरा ये, ठीक है, वो जो भी वाकया हुआ आज तक उस मोटरवे सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार था? और मोटरवे जब चला दी गई थी तो किसकी जिम्मेदारी थी फौरी तौर पे वहां पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता हूँ? वो नेग्लिजेंस किससे हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? जब उसने किसी को इतला दे दी थी उसने क्या कार्रवाई की थी, उसने जिसको इतला दी थी उसने क्या कार्रवाई की थी? इनके खिलाफ इंक्वायरी करने वाली है। जब तक हम सजा नहीं देंगे लोग ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर साहब जिस तरह ये टाइगर फोर्स की बात कर रहे हैं वाकई, तो वो किसी स्कूल में जा रहे हैं, वो किसी इसी तरह किसी शॉप पे जा रहे हैं, तो क्या ये टाइगर फोर्स बनाने की जरूरत थी? क्या हमारे अदारे कम है इसके इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मौजूदा हुकूमत ने जो टाइगर फोर्स बनाई है उसका कोई वाजिया जो मकसद था वो तो बज़ाहिर अभी तक ऐसा नजर नहीं आया कि उनसे कोई नहीं। डॉक्टर साहब देखिए अदारे पहले ही बहुत हैं, अदारे अपना काम कर रहे हैं। अब डीसी हमजा शफकार के नीचे एक टाइगर फोर्स बना देना, वो जगह जगह जाके सब्जी वाले को चेक कर रहा है तू क्या कर रहा है, ये उनका काम है? नहीं वो देखें, अगर जो अदारों से पहली तो बात ये है इसको अगर बनाना ही था जरूरत महसूस क्यों हुई? इसलिए हुई कि जो पहले ऑलरेडी अदारे हैं वो काम नहीं सही कर रहे, तो इसका ये तो नहीं मतलब वो आराम करें मजीद और नए बना दो। यार उनको पहले आप सही सिमत पे लाओ, उनसे काम लो, अगर कोई जरूरत महसूस होती है तो आप सरकारी भर्तियां आदमी मुलाजम रखें ताकि वो ड्यूटी पूरी कर सके। तो डॉक्टर साहब इन्होंने टाइगर फोर्स बनाने का मकसद ये था कि जिस तरह अभी कोरोना की वबा पूरी दुनिया में भी आई है पाकिस्तान में भी आई कि हम गरीब आदमी तक पहुंचेंगे, हालांकि हमारे अदारों के पास नादरा के पास हर एक का डाटा मौजूद है कि इस ये हकदार है इसको, तो फिर कोई जरूरत थी ऐसा कोई काम करने की भी ये नया सिस्टम लाने की नया चीज? क्या अदारों पे एतमाद नहीं, नादरा पे एतमाद नहीं हमें? नहीं नादरा अदारों को छोड़े, आप माशाल्लाह अब जितने भी चैनल हैं वो ना सिर्फ बल्कि एक अच्छा मैसेज देते हैं, मैं कहता हूँ वो पूरी यूनिवर्सिटी है लोगों की, उन्होंने डायरेक्शन सही कर दी है। वो टाइगर फोर्स से ज्यादा ये टेलीविजन देख के लोगों ने अपने आप को मतलब मैनेज कर लिया। और पहले वो बात हो रही थी कि घरों की के जमीन कम पड़ जाएगी हमारे मुल्क में, माशाल्लाह वो बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो रही थी, तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि ये जो बड़े बड़े शहर है ना इनको कंट्रोल करना चाहिए और छोटे शहर आबाद करने चाहिए मुख्तलिफ जगह पे, जहां मिसाल के तौर पे जमीन बंजर है पहाड़ी इलाका है वहां आबादी हो, मैदानी इलाका है वहां आबादी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो अच्छे मॉडर्न विलेज बनाए उनकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा कर लें, तो शहरों को कंट्रोल करें और नए शहर आबाद करें, इससे काफी मसाइल हल होंगे। बलूचिस्तान में बहुत खाली जगह पड़ी है, मीलों मील कोई गांव नजर नहीं आता, अगर है तो ना होने के बराबर है, छोटे से चार कमरे हैं ये गांव है, तो इसलिए वहां भी वो मुल्क का हिस्सा है, वहां मॉडर्न विलेज बनाने चाहिए, सहूलत देनी चाहिए, सुई गैस बिजली पानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये पहुंचाए और लोग शहर की तरफ कम रुझान उनका होगा। और वहां छोटे छोटे यूनिट भी वहां गांव के में हो ताकि लोग रोजी रोटी का बंदोबस्त उनका हो सके, जो जिम्मेदार नहीं है वो अपना मजदूरी कर सके आसानी से। जी बिल्कुल जी, जो ये सब इसी बात को लेकर चल रहे हैं जिस तरह कह रहे हैं कि मैदानी इलाके वहाँ छोटे छोटे जो शहर है वो आबाद करने चाहिए, बड़े जो शहरों को कंट्रोल करना चाहिए, अगर बड़े शहरों में है तो हाई राइज जो बिल्डिंग हो, क्योंकि आप जगह तो आपको पता किधर रह गई है, तो अभी आपको पता है सोसाइटी की बर्पा है और हर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर साहब की इस बात से एग्री करता हूँ बिल्कुल। एक तो वो जो ज़मीनें हमारी बंजर हैं जो गैर आबाद हैं वो ज़ेरे इस्तेमाल आ जाएंगी, और ये जो बड़े बड़े शहर हैं इनमें हाउसिंग सोसाइटी की जगह पर आपको ये अपना हाई राइज बिल्डिंग्स प्लाजा और अपार्टमेंट्स वगैरह ये जो कंसेप्ट है इसको मजीद डिवेल्प करने की ज़रूरत है, ये आना चाहिए क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। अगर ये बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनती जाएंगी तो शहरों के आसपास
एक तो जाहिर है वो जो खतरात हैं जैसे लाहौर से है या कराची है, आलूदगी और पोल्यूशन से बचा जा सकता है, एनवायरनमेंट को अगर एक अच्छे एनवायरनमेंट की आपको जरूरत है तो मेरा ख्याल है कि हाउसिंग सोसाइटी की निस्बत आप ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इनको ज्यादा इम्पोर्ट्स दें और इनको जो बिल्डर हजरात हैं उनको अब बिल्डर बैठे हुए हैं लोग पैसा लगाने के लिए भी तैयार हैं, आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, असिस्टेंस दें तो इंशाल्लाह देखिएगा सोसाइटीज की जगह पर यहाँ बड़े बड़े प्लाजाज हाई राइज और अपार्टमेंट्स तैयार होंगे तो ये ठीक है, ये वक्त की जरूरत भी है। और ये सोसाइटीज का जो आए रोज फ्रॉड हो रहे हैं, एनओसी का मामलात होते हैं कि ना सीडी एनओसी जारी करता है, आरडीए है या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, आए रोज इनके आपस में इख्तलाफात होते हैं कि जी वो एनओसी जारी नहीं किया जा रहा, तो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है जो इन्वेस्टर पीछे बैठे होते हैं वो बेचारे अपने वो जिंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो उस पर लगा देते हैं, वो सारे खतरात में पड़ जाते हैं। तो ठीक है, हम इसकी सपोर्ट करते हैं कि हाई राइज होने चाहिए खासकर ये बड़े शहरों में। देखिए इस्लामाबाद में 100+ सोसाइटियां हैं, 100 ज्यादा जो रजिस्टर्ड है जी, और काम करने वाली चंद एक है, और उसके अलावा सीडीए देख लें ऐसे सेक्टर हैं जो अभी तक जिन्होंने प्लाट लोगों ने लिए थे वो तो बेचारे मेरा ख्याल दुनिया में नहीं रहे, उनकी औलाद भी मायूस है कि हमें शायद मिले या ना मिले, ये बहुत ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कामरान साहब ये सिस्टम है निजाम को चेंज करना और अभी हाई राइज बिल्डिंग जिस तरह अभी आबादी आपकी तरफ बढ़ रही है तो इस पे यानी हुकूमत को चाहिए इस पे काम करे और बेरोजगारी और इस पे सिस्टम को इसके बारे में थोड़ा सा एक मामला हो तो तब बात करें। मैं बताऊं ये सब चीजों से कोई फर्क पड़ना है जब हमारे पास बेहतर लीडरशिप होगी, बेहतर निजाम होगा और बेहतर इंसाफ होगा, ये सब चीजें खुद ब खुद ठीक होंगी, इंसाफ महदूद मानों में कमी नहीं होगी। हमें दुआ करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला दुनिया के मुसलमान मुल्कों को बिलखसूस पाकिस्तान को अच्छी म्यारी काबल विजनरी प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंट और पेट्रियाटिक लीडरशिप मुहैया करते, इसके लिए दुआ करें सब मिलकर और मुसलमानों के ममालिक सबको ये अल्लाह की बरकत से हासिल हो जाए ताकि हमारी और हमारी नस्लों का बना हो सके। जिस तरह तब्दीली का एक नारा लगा था और अवाम ने वोट किया था कि शायद कि इमरान खान तब्दीली लाए, तो आपको लगता है कि वो तब्दीली आएगी? नहीं नहीं, ये 2.5-3 साल काफी है इस बात को समझने के मालूम। आप समझते नहीं कि ये 2.5-3 साल बहुत कम है चेंज के लिए अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए? नहीं सर, नहीं, ये लर्न ही नहीं कर सकते, टाइम गुजर गया और इंसान की सीखने की उम्र होती है 60-65 साल की उम्र में जाके ग्रोमिंग खत्म हो जाती है, दूसरी इसे रिटायर भी कर दिया जाता है 60 पे और जज 65 तक कर देते हैं। दूसरी बात है बताऊँ जी कि इस वक्त तक कोई ऐसा फंडामेंटल कोई ऐसा चेंज ऑब्जर्व ही नहीं मैं कर पाया जिसके नतीजे में कोई बेहतरी आए। कभी आप एक चीज के पीछे भागने लग जाए, कभी दूसरे पीछे भागने लग जाए, ये हल नहीं है और कोर इश्यूज एड्रेस हो गए ये जिमनी अस्खुद हो जाएंगे, आप जिमनी के पीछे भागते रहेंगे और कभी ठीक नहीं। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपको इस मुल्क के आइन से लेकर आखिरी कानून तक रिविजिट करना है, पब्लिक सेक्टर रिविजिट करना है, सिस्टम को एड्रेस करना है, जस्टिस को इंश्योर करना है। आप ये चीजें कर लें, ये चीजें खुद बखुद आपको ठीक होती नजर आएंगी, ऑटोमेटिक नजर आएंगी, ये उसकी बुनियाद है सारी चीजों की। तो ये बुनियाद जब तक हम एड्रेस नहीं कर रहे और इसकी कोई संजीदगी हमें नजर नहीं आ रही और कोई ऐसा एक्ट नजर नहीं अब तक मुझे आया जो जिसकी बुनियाद पर, बस मैं भी रोज नमाज में दुआ कर लेता हूँ, बहुत सी दुआओं के साथ मेरी आखिरी दुआ ये होती है कि अल्लाह मुसलमानों को काबल विजनरी और ऐसी लीडरशिप अता फरमा जो बेहतर निजाम और इंसाफ मुहैया कर सके ताकि हम और हमारी नस्लें जो है वो बेहतर दुनिया बेहतरी सके। तो आप और हम सब मिलकर दुआ करते हैं और अल्लाह हमें बेहतर लीडरशिप दे, ये पाकिस्तान की लीडरशिप टोटल खत्म होगी, आपको बता दो किसी से भी उम्मीद रखना बस रह गया नून से ना पीपल पार्टी कोई भी सर बिल्कुल फारिग, ये बिल्कुल ये रिजेक्टेड है। आपके पास जो सबसे बड़ा बुरान आने वाला है वो चीनी और इन चीजों का नहीं है, वो आपके पास सबसे बड़ा बुरान आने वाला है आपके पास लीडरशिप। डॉक्टर साहब लास्ट में आप क्या कहें? लास्ट में मैं तो यही अपनी आवाम को कहूंगा कि आप मुखलस होके अपने अंदर एहसास पैदा करें मुल्क के लिए, अपने आप के लिए, अपनी औलाद के लिए कोई ऐसा काम करें जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए, मुल्क के लिए। जो ये सब लास्ट में क्या मैसेज देंगे प्रोग्राम 30 सेकंड
इंशाल्लाह इस मुल्क में चेंज आएगी और हम दुआ भी करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये ज़रूर इस मुल्क में चेंज आएगी इंशाल्लाह। हम सबको अगर चेंज लेकर आना है तो सबसे पहले हम सबको अपना मुहासबा करना पड़ेगा ताकि आने वाले वक्त में या हमारी आने वाली नस्ल के लिए एक अच्छा फ्यूचर हो, एक अच्छा मुस्तकबिल। जी कामरान हफीज साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी और जोया साहब आपका भी। जी नाज़रीन आपके प्रोग्राम देखा और फीडबैक लाजमी देना। आज के प्रोग्राम से रिजवान भट्टू को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।